हेलो बच्चों, कक्षा 4 में आपका स्वागत है। कविता सबसे सीखें का अभ्यास। बच्चों सबसे पहले सही शब्द भरकर वाक्य पूर्ण कीजिए, उचित चिन्ह लगाए। ओके, डैश कहता धनबल पाकर, डैश कहता धनबल पाकर। कौन कहता धनबल पाकर? हाँ, बादल। बादल कहता बादल पर टिक लगाएं। झुक जाओ कुछ डैश बनो, क्या बनना? नम्र। झुक जाओ कुछ नम्र बनो, टिक। सुबह सुबह डैश कहते हैं, सुबह सुबह पंछी कहते हैं। पंछी पर सही चिन्ह लगाओ। बड़े भोर उठकर डैश गाओ, गाओ पर चिन्ह लगाएं। लहर लहर डैश कहता है, लहर लहर सागर कहता है। लहर लहर सागर कहता है, सागर पर चिन्ह लगाएं। बल पाकर डैश बनो, बल पाकर गंभीर बनो। बच्चों नीचे दिए गए कविता को पूर्ण कीजिए। बादल कहता धन बल पाकर, झुक जाओ कुछ नम्र बनो। औरों के हित कुछ देकर मत अहंकार में वर्तनो। बहती सरिता नीत कहती है, सबका हित करते जाओ। जैसे जिसकी प्यास जरूरत पूरी करके सुख पाओ। बच्चों इधर, जो शब्द अपने वर्ग का समान अर्थ वाला नहीं है उस पर गोला लगाए। पृथ्वी धरती, खेत जमीन, भूमि। बिल्कुल सही, खेत पर गोला लगाएं क्योंकि वो अपने वर्ग का नहीं है। हवा आंधी, समीर पवन वायु। सही, आंधी पर गोला लगाएं। बादल मेघ घन जलद आकाश। इसमें से वर्ग वाला, वर्ग अपने वर्ग का समान अर्थ वाला नहीं है वो है आकाश, उस पर गोला लगाएं। पेड़ वृक्ष तरु बेल विटप, बेल पर गोला लगाएं। सही मिलन कीजिए, सही मिलन कीजिए। बादल नम्र बनना सिखाता है, बादल क्या सिखाता है? नम्र बनना सिखाता है। पंछी पंछी परिश्रम करना सिखाते हैं। पवन गतिशील बनना सिखाते हैं। सरिता सबका हित करना। किरण रोशन करना। सागर गंभीर बनना। बच्चों इधर वाक्य शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध का मतलब क्रम से लिखना। जगमग सारा कर दो जग। वाक्य कविता में क्या है? सारा जग, सारा जग जगमग कर दो। इधर क्रम से लिखना, सारा जग जगमग कर दो। पवन कहती है शीतल मलय, पवन कहती है शीतल मलय। इसके क्रम से लिखना है शीतल मलय पवन कहती है, शीतल मलय पवन कहती है। हित करते जाओ सबका, हित करते जाओ सबका। इसे क्रम में लिखना, सबसे पहले सबका हित करते जाओ, सबका हित करते जाओ। श्रम से राह अपनी बनाओ, श्रम से राह अपनी बनाओ। इसे क्रम में लिखें, सबसे पहले अपनी राह, अपनी राह बनाओ श्रम से, अपनी राह बनाओ श्रम से। बच्चों सबसे पहले समान अर्थ वाले शब्द। बादल, बादल का समान अर्थ है मेघ, बादल का समान अर्थ मेघ। पंछी, पंछी का समान अर्थ पक्षी परिंदा, पक्षी। पंछी का समान अर्थ पक्षी। पवन, पवन का समान अर्थ हवा वायु, हवा वायु। सूरज का समान अर्थ रवि। सरिता, सरिता का समान अर्थ है नदी। राह, राह का समान अर्थ है रास्ता मार्ग।
माता। तो कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर देखिए। बच्चों, नम्र बनने का संदेश कौन दे रहा है? नम्र बनने का संदेश कौन दे रहा है? नम्र बनने का संदेश बादल दे रहा है। नम्र बनने का संदेश बादल बा अ की मात्रा आ बा द ल बादल दे रहा है। किसके जगने से पहले काम पर लग जाना चाहिए? किसके जगने से पहले काम पर लग जाना चाहिए? सूरज सा उ की मात्रा सु र ज सूरज के जगने से पहले काम पर लग जाना चाहिए। सागर क्या कहता है? सागर क्या कहता है? सागर कहता है कि बल पाकर गंभीर बनो। बा ल बल पा आ की मात्रा पा का र पाकर बल पाकर गंभीर गा अम की मात्रा गम भा ई की मात्रा भी गंभीर गंभीर बनो। बा न ओ की मात्रा बनो। सागर कहता है कि बल पाकर गंभीर बनो। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर। बादल हमें क्या संदेश देता है? बादल हमें क्या संदेश देता है? बादल हमें अहंकार छोड़कर नम्र बनने का संदेश देता है। बादल हमें अहंकार छोड़कर नम्र बनने का संदेश देता है। किरण किस प्रकार का उजाला करने की सलाह देती है? किरण किस प्रकार का उजाला करने की सलाह देती है? किरण आशा का उजाला करने की सलाह देती है। किरण आशा का उजाला करने की सलाह देती है। पक्षी सुबह सुबह उठने की सलाह क्यों देते हैं? पक्षी सुबह सुबह उठने की सलाह क्यों देते हैं? काम पर जाने के लिए पक्षी सुबह सुबह उठने की सलाह देते हैं। काम पर जाने के लिए पक्षी सुबह सुबह उठने की सलाह देते हैं। समुद्र लहराता हुआ हमें क्या संदेश देता है? समुद्र लहराता हुआ हमें क्या संदेश देता है? सागर हमें समुद्र और सागर एक ही है। सागर हमें गंभीर बनकर मर्यादा में रहने का संदेश देता है। तो बच्चों, इसे अभ्यास करते रहो।